हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, ये वीवो का फ़ोन है। वीवो के फ़ोन में आपको 5 टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्क्रीन शॉट के बारे में। दोस्तों, यदि आप अपने वीवो फ़ोन में स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो आप अपने वीवो फ़ोन में स्क्रीन शॉट कैसे लोगे दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 फिंगर से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करना है तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे 3 फिंगर से तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। ये रहा हमारा दोस्तों पहला टिप्स एंड ट्रिक दोस्तों। इसमें और अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप दूसरे तरीके से कैसे स्क्रीन शॉट ले सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ फिंगर 3 फिंगर से स्वाइप करोगे इस प्रकार से तो आपका स्क्रीन शॉट होगा। और दूसरा तरीका इसमें यह है दोस्तों, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा स्क्रीन शॉट है। ये 3 फिंगर से आपको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से करने पर होता है और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करोगे तो भी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से देख लीजिए, इन दो तरीके से आप अपने वीवो फोन में स्क्रीन शॉट ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है तो आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो है दोस्तों, 3 फिंगर से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो होगा। आपको बस दूसरा ट्रिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों। यदि मान लीजिए आपके मोबाइल में टॉल बैक इनेबल हो गया है और आपका टच कहीं भी काम नहीं कर रहा है, आप कहीं भी टच कर रहे हैं तो हरे रंग का आइकन बन रहा है और मोबाइल से बोलने की आवाज़ आ रही है दोस्तों, ऐसे में घबराने वाली कोई बात नहीं। आपके मोबाइल का जो है टॉल बैक इनेबल हो गया है, आपको डिसेबल करने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको डबल फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप करके आप अपने मोबाइल का लॉक खोल लीजिए। आपके मोबाइल में यदि लॉक लगा हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है और किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको डबल प्रेस करना है। तो मान लीजिए आपको सेटिंग में जाना है तो सेटिंग को एक बार से प्रेस करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा और डबल प्रेस करोगे तो ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डबल प्रेस करके इसको ओके कर लेना है। इस प्रकार से इसको हमें डबल प्रेस करना है और तुरंत इसमें प्रेस करना है दोस्तों। आपको डबल तुरंत ही प्रेस करना है तभी होगा मतलब। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है तो नीचे जाने के लिए आप एक फिंगर से जाओगे तो नहीं होगा, यहाँ पर आपको डबल फिंगर से मतलब नीचे जाना है। तो यहाँ पर डबल फिंगर से आपको ऊपर नीचे जाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे डबल फिंगर से आपको जाना है नीचे, थोड़ा डबल फिंगर का प्रयोग करोगे तभी आपका मतलब चलेगा। तो यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सीबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इसको आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो ओके हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ पे एक्सीबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सीबिलिटी पर एक बार क्लिक करके यहाँ पे डबल प्रेस कर देना है तो ये आपका ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल प्रेस करना है, आपको तुरंत प्रेस करोगे तभी मतलब आपका काम करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे लगातार तुरंत ही डबल प्रेस करना है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ओके हो गया। आप यहाँ पे देखिए, आपको टॉल बैक का ऑप्शन मिलेगा। टॉल बैक यहाँ पे देखिए ऑन है। तो यहाँ पे एक बार सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें डबल प्रेस करना है, लगातार तुरंत ही डबल प्रेस करेंगे तभी होगा। तो यहाँ पे डबल प्रेस करके इसको हम यहाँ से स्टॉप वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको डबल प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉल बैक यहाँ पे ऑन है तो यहाँ से इसको एक बार सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे हमें डबल प्रेस कर देना है। यहाँ पे भी हम डबल प्रेस करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से हम डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे स्टॉप पे एक बार क्लिक करके यहाँ पे डबल प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो है टॉल बैक डिसेबल हो जाएगा, टॉल बैक हमारा ऑफ हो जाएगा। अब हम कहीं भी टच जो है एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा काम करेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए भी हमें एक ही फिंगर का प्रयोग करना है, डबल फिंगर का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। अब हमारा मतलब टॉल बैक डिसेबल हो गया। अब हम आपको तीसरे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बताएंगे दोस्तों। आपको मान लीजिए एलसीडी का कलर ऐसे हो गया है, नेगेटिव हो गया है, आपके डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया है तो आप इसको कैसे सेटिंग से सही करोगे? तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो है डिस्प्ले का कलर कैसे दिखाई दे रहा है, सारे ऐप्स का कलर जो है बदल गया है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके मोबाइल में रहता है तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ निगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आप यूट्यूब चालू करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपको चित्र कैसा दिखाई दे रहा है। यदि आपके ऐसे मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, सेटिंग से मतलब आपका दिक्कत हो गया है, तो आपको ये सेटिंग से कहाँ से आप सही करोगे आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट से आप जरूर देखना। यहाँ पे देख लीजिए, ये चित्र आपको कैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो ये सेटिंग से होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसे आप सेटिंग से जाके मतलब सही कर सकते हो। तो आपको मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दोस्तों सेटिंग में जाना है। तो चलिए सेटिंग पर जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है। आप यहाँ पर थोड़ा नीचे जाइए, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सिस्टम जो शॉर्टकट एंड एक्सीबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हमें आप क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक्सीबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक कलर इन वर्जन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से आपको ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑन है, यहाँ से इसको हम ऑफ कर देंगे तो हमारा जो है डिस्प्ले का कलर नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको फिर से यूट्यूब को खोल के चेक करके दिखा देता हूँ कि मतलब हमारे डिस्प्ले का कलर सही हुआ या नहीं सही हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा
सभी कलर सही हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए डिस्प्ले पे, मतलब हमारा जो है सारा कलर नॉर्मल हो गया है। इस प्रकार से हम अपने मोबाइल का LCD कलर जो है ठीक कर सकते हैं यदि आपका कलर चेंज हो गया है तो। और आपको चौथे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए आपका बैक बटन हाइड हो गया है और आपको बाइक करने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आपका बैक बटन नहीं है। और यदि ऐसा प्रॉब्लम आपके मोबाइल में हो जाता है, आपको बाइक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों बाइक बटन आप कहाँ से सेटिंग करके लाओगे दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे हमारा जो है बाइक बटन नहीं दिखाई दे रहा। आप इस प्रकार से स्विप करते हो तो आपका जो है बाइक होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके फ़ोन में हो गया है दोस्तों तो आप कहाँ से ठीक करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देख लीजिए तीन बटन आपका हाइड हो गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे जो है सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको की वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो की वाले ऑप्शन पे आप जब सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है नीचे बटन आ जाएगा, और दूसरे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो बटन आपका जो है गायब हो जाएगा दोस्तों। अब आपको पांचवें सेटिंग के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका मान लीजिए मोबाइल का टच हैंग हो गया है, आप अपना फ़ोन रिबूट और रिस्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके डिस्प्ले हैंग हो गया है, आपके डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपका चित्र गायब हो गया है, या आपका टच काम करना अचानक बंद कर दिया है, या आपका माइक स्पीकर रिंगर जो है तीनों एक साथ काम करना बंद कर दिया है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार अपने फ़ोन को आपको रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है। और अपने आप फ़ोन को आपको रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए आपका टच काम कर रहा है तो आप रिबूट करना चाहते हैं तो रिबूट हो जाएगा, मान लीजिए आपका टच नहीं काम कर रहा है या आपके डिस्प्ले पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको रिबूट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। मान लीजिए आप दोस्तों यहाँ पे पावर बटन को, बहुत से फोन में होता है पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो आपको जो है रिबूट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप इसको रिबूट करना चाहे, आपके डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, या मान लीजिए आपका टच नहीं काम करता है, तो क्या करना है आपको, वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करोगे तो आपका जो है थोड़ा टाइम तक इसको प्रेस करके रखना है दोस्तों। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो आपका फोन जो है रिबूट और स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो है वाइब्रेट हो गया। अब हमारा जो फोन यहाँ पे वीवो लिख के आ जाएगा तो हम जो है दोनों बटन को छोड़ देंगे दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, मान लीजिए आपका टच अचानक काम करना बंद कर दिया है, या आपका डिस्प्ले में मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपका फोन आ रहा है, और या मतलब आपका माइक स्पीकर रिंगर आपका तीनों एक साथ काम करना बंद कर दिया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करके ज़रूर देख लेना है। आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है तो आपका जो है स्क्रीन मतलब आपका रिबूट हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल का जो है डिस्प्ले पे फ़ोन आता है और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कभी कभी भी ऐसा होता है कि हमारा टच अचानक काम करना बंद कर देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में आपको एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करके रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लेना है। आप अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करोगे तो आपका यदि हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा और माइक स्पीकर रिंगर सही रहेगा, आपका टच सही रहेगा, डिस्प्ले सही रहेगा, तो एक बार जरूर मतलब इसको रिबूट करोगे तो आपका फ़ोन जो सही रहेगा तो आपका 100% वर्क करेगा, आपका फ़ोन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम में मतलब हमारा फ़ोन रिबूट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हमारा मतलब चेक करेंगे तो हमारा सब कुछ सही है दोस्तों। पांच टिप्स एंड ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताया जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपके पास वीवो फ़ोन है तो ये आपको कहीं भी कभी भी काम आ सकते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों। और मैं ऐसे ही पांच टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।